हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है टू ड्रिंक्स पी एंड क्यू गिव एसिडिक एंड एल्कलाइन रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब बोला गया है कि दो ड्रिंक है, कोई पी है और कोई क्यू है। अब की एसिडिक एंड एल्कलाइन रिएक्शन, एक में एसिडिक रिएक्शन हुआ है, एसिडिक और एल्कलाइन रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे वन है पीएच वैल्यू 9, एक का पीएच वैल्यू 9 आया है, ठीक है, और एक का पीएच वैल्यू 3 आया है। ठीक है, अब किसका 9 आया है, किसका 3 आया है, ये हम लोग को क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। विच ड्रिंक हैज पीएच वैल्यू ऑफ 9, कौन से ड्रिंक का पीएच वैल्यू 9 होगा, एसिडिक वाले का या एल्कलाइन वाले का। ये एसिडिक है, ये रिएक्शन एसिडिक है और ये एल्कलाइन है। तो हम लोग अगर एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को समझेंगे तो एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है। ठीक है, लेस देन 7। ठीक, और जो बेस होता है या जो एल्कलाइन होता है उसका अगर पीएच वैल्यू देखें तो वो मोर देन 7 होता है। ठीक है, मोर देन 7 होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि बेस मतलब कि एल्कलाइन, बेस मतलब कि एल का एल्कलाइन। ठीक है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन सा दे रहा है, क्यू दे रहा है, तो क्यू का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। तो हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ड्रिंक हैज पीएच वैल्यू ऑफ 9, तो 9 इज द मोर देन देन 7, सो क्यू ड्रिंक हैज द पीएच वैल्यू ऑफ 9। ठीक है, अब ये जो क्यू होगा वो पीएच वैल्यू 9 देगा। क्यों देगा, क्योंकि बिकॉज अ बेसिक सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ग्रेटर देन द 7, क्योंकि पीएच वैल्यू जो होता है बेसिक सॉल्यूशन का वो 7 से ज्यादा होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।